गाइस रियलमी एक ऐसी ब्रांड बन चुकी है अभी के टाइम पे जिसने ऑलमोस्ट सभी बजट स्मार्टफोन वाली कंपनीज को हिला के रख दिया है। और अगर मैं बात करूं कि भाई इनकी ग्रोथ की तो अराउंड 1.5 से 2 साल के अंदर शाओमी जैसी एक इतनी बड़ी ब्रांड जिसने बजट स्मार्टफोन के सेगमेंट को घेर के रखा था उसको भी जो है अच्छा खासा कॉम्पिटिशन दे रही है। उसी के साथ भाई रियलमी अपना एक और सीरीज इंडिया में लॉन्च करने वाला है और फ्लिपकार्ट जैसी जाइंट ई कॉमर्स वेबसाइट ने इसका जो है एडवर्टाइजमेंट खुल्लम खुल्ला पूरी तरीके से कर रहा है, अच्छे खासे बैनर वगैरह लगा रहा है कि भाई Realme 5 जो सीरीज है वो इंडिया में लॉन्च होने वाली है। 20 अगस्त जो है इसकी डेट है लॉन्चिंग की और इस सीरीज के अंदर वो जो है 2 स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाले हैं, एक होने वाला है Realme 5 और एक होने वाला है Realme 5 Pro। तो इनकी जो स्पेसिफिकेशन है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो गाइस बिना किसी टाइम वेस्ट के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक लेकर आता रहूं। तो गाइस मेरा नाम है नमन, आप देख रहे हैं techplusgadgets.com, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस इस सीरीज के 2 फोन यानी कि Realme 5 और Realme 5 Pro दोनों ही काफी मेजर अपग्रेड स्पेसिफिकेशन के साथ इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं इनके कैमरेज की तो गाइस दोनों में ही जो है आपको क्वाड कैमरे का सपोर्ट मिलेगा, यानी कि 4 कैमरा जो है आपको रियर में मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं मेन कैमरे यानी कि इनका जो प्राइमरी कैमरा होने वाला है उसमें आपको 48 मेगापिक्सल का सेंसर मिलेगा जो कि सोनी का सेंसर होने वाला है IMX586 वाला। और ये जो सेंसर है वो काफी बढ़िया है इस प्राइस रेंज में, लाइक 10 से 15 हज़ार वाली जो प्राइस सेगमेंट है उनमें ये जो सेंसर है वो काफी ज्यादा पॉपुलर रहा है। तो दोनों में ही जो है आपको एक जैसा ही कैमरा मिलने की पूरी चांसेस है 48 मेगापिक्सल वाला। और बाकी के सेंसर की बात करूं तो आपको हर टाइप के सेंसर जो है Realme देने वाला है अपने रियर कैमरे में, जैसे कि वाइड एंगल आपको इसमें मिल जाएगा और मैक्रो लेंस इसमें मिल जाएगा, डेप्थ सेंसर मिल जाएगा। तो गाइस सब कुछ जो है आपको ये इस प्राइस रेंज में मिलने वाला है, तो ये काफी मेजर अपग्रेड जो है Realme की तरफ से कैमरे सेगमेंट में हुआ है। अब अगर इनके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो गाइस दोनों में ही जो है आपको वाटर ड्रॉप वाला नॉच देखने को मिलेगा। Realme 5 में जो है आपको 6.3 इंच का HD प्लस का डिस्प्ले मिल जाएगा, वहीं Realme 5 Pro में आपको 6.3 इंच का फुल HD प्लस का डिस्प्ले मिल जाएगा। लेकिन Realme 5 Pro में आपको AMOLED डिस्प्ले भी मिलेगा, उसके साथ साथ उसमें जो है आपको इन डिस्प्ले वाला फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलने वाला है, लेकिन Realme 5 में आपको रियर में ही जो है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। अब अगर इनकी बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो दोनों में ही जो है आपको काफी इम्प्रूव बैटरी का सपोर्ट वाला है, क्योंकि Realme 5 में जो बैटरी है वो 5000 mAh की है, यानी कि अगर मैं कंपेयर करूं Realme 3 से तो उसमें जो है आपको 2350 mAh की ही बैटरी मिल रही थी, लेकिन Realme 5 में डायरेक्टली उन्होंने डबल बैटरी कैपेसिटी कर दी है यानी कि 5000 mAh। और अगर मैं बात करूं Realme 5 Pro की तो गाइस उसकी बैटरी कैपेसिटी कितनी है वो जो है खबर सामने निकल के बाहर नहीं आई है, लेकिन ऐसा सुना जा रहा है कि भाई उसमें कंफर्म हो गया है कि उसमें जो है आपको वूक चार्जिंग 3.0 मिलने वाला है, यानी कि फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलने वाला है। और ये जो वूक 3.0 है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि इसका अगर मैं आप लोगों को रफ एक आइडिया बता दूँ तो भाई ये 30 मिनट में अराउंड 60% तक चार्ज कर देता है। तो ये काफ़ी अच्छा जो फीचर्स है आपको Realme 5 Pro में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यानी कि इनके प्रोसेसर की, कि भाई दोनों में कौन सा चिपसेट हमें देखने को मिलेगा। तो गाइस दोनों में ही जो है आपको स्नैपड्रैगन का ही सपोर्ट मिलने वाला है, लेकिन Realme 5 में जो है आपको स्नैपड्रैगन 665 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा। और मैं आप लोगों को बता दूँ ये चिपसेट जो है वो इंडिया का सबसे पहला चिपसेट होने वाला है जो Realme अपने Realme 5 फोन में लेकर आ रही है। और ग्लोबली अगर बात करूं तो भाई MI A3 इसको ऑलरेडी लेकर आ चुका है, लेकिन Realme जो है इंडिया के अंदर सबसे पहला फोन होने वाला है जिसमें आपको Snapdragon 665 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं Realme 5 Pro की तो उसमें जो है आपको Snapdragon 712 का चिपसेट देखने को मिल सकता है, जो कि काफी अच्छा है। अगर कंपेयर करता हूं 665 से तो थोड़ा बहुत जो है कम से कम 10-15% तक का जो है आपको अपग्रेडेशन मिलेगा। तो भाई दोनों ही जो फोन है वो अलग अलग प्राइस सेगमेंट में रिलीज होंगे, यानी कि Realme 5 जो है वो 10,000 के अंदर होगा और Realme 5 Pro जो है वो 10 से 15,000 के बीच में ही हो जाएगा। तो दोनों ही जो है काफी कमाल के फोन है। तो गाइस 20 अगस्त को सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि भाई हमें Realme 5 और Realme 5 Pro में और क्या क्या स्पेसिफिकेशन और क्या नया देखने को मिलता है, लेकिन अभी जितनी भी स्पेसिफिकेशन मैंने आप लोगों को बताई है वो 95% तक बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है, तो आप लोग भरोसा कर सकते हो। उसके साथ साथ एक और कंपनी को जो है बहुत ज्यादा
कंपटीशन फेस करने को मिलेगा वो है Xiaomi Mi A3, क्योंकि 21 अगस्त को जो है Mi A3 की भी लॉन्चिंग इंडिया में सेट की गई है। तो भाई Mi A3 को बहुत ज़्यादा खतरा है, और खतरा Realme 5 Pro से नहीं, Realme 5 से ही है, क्योंकि Realme 5 की जो स्पेसिफिकेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है Mi A3 से, लाइक Mi A3 से ज़्यादा स्पेक्स देगा वो अंडर 10,000 रुपीज़। तो भाई कॉम्पिटिशन तो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है। तो अब देखते हैं 21 अगस्त के बाद और भी ज़्यादा हमें सब कुछ जो है क्लियर हो जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक लेकर आता रहूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।